तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ चुके हैं वापस एक दवादार गेम प्ले के साथ। आज हम फिर से एक बार करने वाले हैं सोलो वर्सेस डुओ। और भाई लोग, आपको इस गेम प्ले में पता चलने वाला है कि मतलब जब भी हम सोलो वर्सेस डुओ और सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं तो हमारे पास एक सेकेंडरी वेपन होना चाहिए, मतलब दोनों ऑटो गन्स होने चाहिए। और इस गेम प्ले में आपको पता चलने वाला है कि भैया मैं मरते मरते बचाऊँ। तो भाई लोग, मैं उतरा था विलेज पे और फिलहाल तो यहाँ पर किसके फुटस्टेप या फिर पैराशूट का आवाज़ नहीं आता, इसलिए मैं आराम से लूट पूट कर रहा था अपनी। और मैंने सोचा भाई बाद में गाड़ी उठा के रश करेंगे बंदों पे। बट थोड़ी देर बाद मैं इस साइड आया तो मुझे फुटस्टेप आए। फिलहाल तो यहाँ पर दो बॉट्स थे जिसमें से एक बॉट को मैंने निपटा दिया और दूसरा वाला बॉट सामने था जिसे मारने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला है, पर एट लास्ट में मार दूंगा उसे। और आपको नेड की पिन खींचने की आवाज़ आ गई होगी, आपको नेड की फटने की भी आवाज़ आ गई शायद। तो भैया, जिस बंदे ने मुझ पर नेड किया था वो मुझ पर रश कर रहा था। तो भाई लोग, इसे तो मैंने आराम से नॉक कर दिया और मैं देख रहा था भाई उसके टीममेट आए, बट इसका कोई टीममेट वगैरह आता नहीं है और ये लास्ट में मर जाता है। फिर मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है जिसमें मैं स्प्रे मारने का ट्राई करता हूँ, बट सोचता हूँ भाई क्लोज ही नहीं करती क्योंकि बेचारे के पास M24 थी, उसने खुद ही M24 चला के बताई थी मुझे, इसलिए मैंने खुला रश कर दिया उस पर और भाई को आराम से मार दिया मैंने। तो भैया, मैं ऐसे उसकी लूट लेने जस्ट जाने वाला था कि मेरे लेफ्ट साइड से गन साउंड है और मैं देखने का भाई कहाँ है बंदे, और मुझे बाद में बंदा दिखता है जिसे मैं आराम से नॉक कर देता हूँ। तो भाई, इससे मैं थोड़ी सी लूट लेता M24 वगैरह उठा था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो भाई लोग, आपको एक सामने बंदा दिख गया होगा रेड आउटफिट में, एक्चुअली आउटफिट नहीं, उसकी रेड कलर की पैंट थी। तो मैंने सोचा भाई उस पर रश कर देते हैं, और सामने आपको राइट साइड में स्मोक दिख गया होगा। एक्चुअली उस बंदे ने दो बंदों को सब फाइट ले रहा था, दो बंदा, और उसकी हेल्थ बहुत कम थी। तो भाई, ये दो तीन गोले में आराम से ख़त्म हुआ और मैं देख रहा था भैया कि जिससे ये फाइट ले रहा था उस बंदों को अब मैं निपटाने वाला हूँ, बस देखना कैसे। पहले तो M24 पे मुझ पर होलो था, तो मैंने सोचा भाई M24 तो कुछ काम की नहीं है फिलहाल के लिए, तो मैं थोड़ा स्कोप वगैरह देख रहा था और तभी जस्ट मेरे नीचे दो बंदे आ जाते हैं, बस देखना का इन दोनों बंदों को कैसे मारेंगे। तो मैं गुस्सा सीधा रश करने उन पे, बट भैया मैंने थोड़ा स्प्रे मारने का ट्राई करा पर दो बंदे थे, इनके पास एडवांटेज थी, इसलिए मैंने पहले फॉलो बैक किया, पहले देखा कहाँ पर क्या कर रहे हो लोग, फुटस्टेप देखे। और भैया, मैं यहाँ से एक नेड कुक करते हुए था, एक बंदे की लोकेशन पता थी जो जस्ट मेरे सामने था, तो मैं यहाँ पर पैनिक सिचुएशन में आ गया था क्योंकि वो मुझ पर ADS ले रहा था। भैया मैं सीधा रश करने घुस गया क्योंकि नेड से उसे बहुत डैमेज हुआ था। भाई, इसे मारने में बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, बट एट लास्ट मैंने इन दोनों को आराम से मार दिया। तो इन लोग से मुझे स्कोप वगैरह मिल गए और मैं फिर से एक बार सामने वालों पे कॉन्सेंट्रेट करने लगा। तो मैंने यहाँ पर एक नेड कुक करा क्योंकि सामने वो बंदे भैया नेड तो नाकामयाब रहा, पर एक बंदा मुझ पर रश कर देता है जिसे मैं एक M24 चुपका देता हूँ और बाद में M4 से आराम से नॉक कर देता हूँ। तो भाई, मैं देख रहा था उसके टीममेट कि भाई दिख जाए तो M24 उसके भी चिपका दूंगा, बट उसका टीममेट नहीं दिखता मुझे, इसलिए मैंने सोचा भाई उन पर रश करना ठीक रहेगा और देखना गाइस कैसे मारेंगे इन बंदों। तो भाई लोग, इन बंदों को तो मैंने आराम से मार दिया और इनकी थोड़ी सी लूट ली और मैं आया फिर जंकयार्ड की तरफ, क्योंकि एक बंदा बैरल कब से बैरल चला रहा था, मतलब दिमाग खराब था। तो बैरल वाला बंदा मुझे दिखता है जिसे मैं एक M24 का हेडशॉट बजाता हूँ, बट लेवल 3 हेलमेट था इसलिए बच गया। तो
तो मैंने सोचा भाई इस पर एक नेड करते हैं, मुझे लगा वहाँ पर रहेगा इससे बंदा, इसलिए मैंने एक नेड किया और भाई उसके ऊपर रश कर दिया क्योंकि मुझे लगा उसकी एचपी कम रहेगी, बट मैं जब तक रश करता उसने हील लगा ली थी। भाई लोग मैंने पहले फॉल बैक किया, एट लास्ट भाई को मैंने नॉक ही कर दिया, मतलब इसे मारने के लिए बहुत परेशान हुई भाई और इसने बहुत ही एचपी खाई थी मेरी। इसलिए मैं जैसे अपने मेड किट्स वगैरह लगा रहा था भैया, तो उसका टीममेट उसे रैप देने चला गया और मुझे उसके टीममेट के फुटस्टेप आ गए थे, इसलिए मैं सीधा रश करने घुस गया। भाई उसके टीममेट को मैंने बहुत ही डैमेज कर दिया था, उसे क्रिटिकल कर दिया था, दो गोली में, एक्चुअली दो नहीं 15 गोली में बंदा ख़त्म हो गया। तो भाई लास्ट के बच रहे थे दो बंदे, इसलिए मैंने भैया गाड़ी उठाई और मुझे उन दोनों बंदों की लोकेशन पता थी, इसलिए मैं तो भैया सीधा रश करने के मूड में था। बट यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी गलती हुई, एक्चुअली यहाँ पर मेरे पास अगर सेकेंडरी वेपन होता तो शायद ही मैं यहाँ पर बचता, और बस देखना गाइस कैसा मरता हूँ। यहाँ पर मुझे दो बंदे दिख गए थे, इसलिए मैं यहाँ से घूम के गया कि भैया यहाँ से उन पर एंगल लूँगा, बट मेरा बाद में पचका होगा। तो आगे गेम प्ले को समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, एकदम घटिया गया है। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।